हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माय ऑन स्टडी हब अमित में। दोस्तों, आप कंपटीशन का स्टूडेंट हो या फिर क्लास का स्टूडेंट हो, बेसिक इंग्लिश ग्रामर जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप मेरे चैनल को फॉलो कर आसानी से घर बैठे बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हेल्पिंग वर्ब के यूज को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और घर बैठे बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी को भी दबा दें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, और मेरे चैनल वीडियो को लाइक करना न भूले। तो चले आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम सेल का यूज देखने वाले हैं। यूज ऑफ सेल। यूज ऑफ सेल। सेल का शाब्दिक अर्थ होता है गागेगी। सेल का शाब्दिक अर्थ होता है गागेगी। सेल का शाब्दिक अर्थ होता है गागेगी, इटीसी। इसका प्रयोग केवल फ्यूचर टेंस में होता है। इसका प्रयोग केवल फ्यूचर टेंस में होता है। एग्जांपल देखते हैं। आई सेल गो देयर। आई सेल गो देयर, इसका हिंदी होगा मैं वहां जाऊंगा। यह टेंस देखा जाए तो किसमें? फ्यूचर टेंस में। सेल का शाब्दिक अर्थ होता है गागेगी। इसका प्रयोग केवल फ्यूचर टेंस में होता है। एग्जांपल है आई सेल गो देयर, जो फ्यूचर टेंस में है। सेल का प्रयोग केवल फर्स्ट पर्सन के साथ होता है। सेल का प्रयोग केवल फर्स्ट पर्सन के साथ होता है। इसके बाद V1 का प्रयोग होता है। इसके बाद V1 का प्रयोग होता है। सेल का प्रयोग केवल फर्स्ट पर्सन के साथ होता है। इसके बाद V1 का प्रयोग होता है। एग्जांपल देखें ताकि अच्छी तरह से समझ पाए। आई या फिर बी, या फर्स्ट पर्सन है आई या बी। फर्स्ट आई या बी सेल गो। हमने अभी देखा कि सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ होता है, और इसके बाद V1 का प्रयोग होता है। तो आई बी, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आई और बी है, तो इसके साथ सेल का प्रयोग हुआ है, और सेल के बाद किसका प्रयोग होता है? V1 का। सेल का प्रयोग जब सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है तब सेंटेंस इम्फेटिक हो जाता है। सेल का प्रयोग जब सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है, सेल का प्रयोग जब सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है तब तो
किया जाता है तब सेंटेंस इम्फेटिक हो जाता है, सेंटेंस इम्फेटिक हो जाता है। अभी हमने तुरंत ऊपर में देखा है कि शैल का प्रयोग केवल फर्स्ट पर्सन के साथ होता है, इसके बाद वी वन का प्रयोग होता है, लेकिन यदि शैल का प्रयोग जब सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है तब सेंटेंस इम्फेटिक हो जाता है। इम्फेटिक मतलब जोरदार कथन, सेंटेंस इम्फेटिक हो जाता है, सेंटेंस इम्फेटिक हो जाता है। यहाँ पर इम्फेटिक मीन्स जोरदार। जैसे देखते हैं सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन कौन कौन, यू, ही, सी, इट, दे और नाउन, दे और नाउन, नाउन सिंगुलर और प्लुरल दोनों। इसके बाद अगर शैल का यूज करते हैं तो सेंटेंस क्या हो जाता है, इम्फेटिक हो जाता है। एक बार और देखते हैं कि शैल का प्रयोग केवल फर्स्ट पर्सन के साथ होता है और इसके बाद वी वन का प्रयोग होता है, लेकिन शैल का प्रयोग जब सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ होता है तब सेंटेंस इम्फेटिक हो जाता है। इम्फेटिक मीन्स जोरदार कथन, जैसे यू शैल गो, तुम जाओगे, तुम, यू शैल गो, ही शैल गो, यू शैल गो, तुम जाओगे, यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा तुम अवश्य जाओगे, यू शैल गो, यहाँ हो जाएगा तुम अवश्य जाओगे। अगर यह इम्फेटिक नहीं रहता तो यह यू विल गो बनता। उसी तरह ही शैल गो, वह अवश्य जाएगा, सी शैल गो, वह अवश्य जाएगी, दे शैल गो, वे लोग अवश्य जाएंगे। यहाँ पर सेंटेंस में जोर देकर कह रहे हैं, जोरदार कथन। शैल का प्रयोग सभी प्रकार के सेंटेंस में होगा, जैसा कि हमने अभी तक देखा है कि जितना भी हेल्पिंग वर्ब है सभी का यूज सभी प्रकार के सेंटेंस में हुआ है। यहाँ पर सभी प्रकार के सेंटेंस कहने का मतलब कि जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, जो हमने अभी तक जितना भी हेल्पिंग वर्ब के यूज को देखा है उसमें सबके बारे में पढ़ा है कि किस तरह से सभी तरह के सेंटेंस में उसका यूज होता है। अब हम शैल को देखने वाले, शैल का भी यूज सभी तरह के सेंटेंस में होता है। शैल का प्रयोग सभी प्रकार के सेंटेंस में होता है, सभी प्रकार के सेंटेंस में होता है। जैसे आई शैल गो सेंटेंस को देखा जाए तो कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। दोस्तों एक बार और बता दूं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है। एसर्टिव सेंटेंस का दो काइंड है, अफर्मेटिव और निगेटिव। एसर्टिव सेंटेंस वह सेंटेंस है जो यस या नो में रहता है, जो यस में रहता है वह अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और जो नो में रहता है वह निगेटिव सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर आई शैल गो, मैं जाऊँगा, यहाँ पर यह सेंटेंस देखा जाए तो यस में है तो यह अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसी तरह अगर आई शैल नॉट गो, इसको देखा जाए तो मैं नहीं जाऊँगा, यह नो में है तो यह निगेटिव हो जाए। शैल आई गो, शैल आई गो, क्या मैं जाऊंगा, तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस। शैल आई नॉट गो, शैल आई नॉट गो, क्या मैं नहीं जाऊंगा, तो यह यहाँ पर इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव है, तो यह इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। शैल आई नॉट गो, इंट्रोगेटिव निगेटिव।
इसी तरह है वैसल वैसल आई गो, वै सेल आई गो, इसका हिंदी हो जाएगा मैं क्यों जाऊंगा, मैं क्यों जाऊंगा। यहाँ पर डब्ल्यू एच ग्रुप वाला वर्ड का यूज करके इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया गया, इसलिए इसको हम डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव कह लेंगे। डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। इसी तरह वेयर सेल आई नॉट गो, वेयर सेल आई नॉट गो, मैं कहाँ नहीं जाऊँगा, मैं कहाँ नहीं जाऊँगा। यहाँ पर भी डब्ल्यू एच का यूज करके इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाया हुआ है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस को कह लेंगे डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव। इस तरह से सेल का यूज भी सभी तरह के सेंटेंस में किया जाता है। दोस्तों आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम हेल्पिंग वर्ब के यूज को लेकर ही मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।